सब्सक्राइब कीजिए मुदस्सर रहमान चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मुदस्सर रहमान और आप देख रहे हैं मुदस्सर रहमान YouTube चैनल। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने YouTube चैनल पे प्लेलिस्ट को क्रिएट कर सकते हो। तो क्रिएट करने का फ़ायदा ये होता है प्लेलिस्ट का कि आपके जो सब्सक्राइबर होते हैं या कोई भी नया बंदा आपकी चैनल पर आता है, तो अगर आपने कई टाइप की वीडियोस अपलोड की हुई हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाकर अपनी पसंद की टाइप की वीडियोस को एक जगह पर जब देखता है तो वो आपको भी उसका फ़ायदा होता है और अगले बंदे को भी उसका फ़ायदा होता है। तो वो पसंद करते हुए आपकी वीडियोस को भी देखता है और आपको चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकता है अगर उसे पसंद आती हैं आपकी वीडियोस। तो प्लेलिस्ट को क्रिएट करने का फ़ायदा बहुत है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप YouTube के चैनल पर अपने किस तरह प्लेलिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये देखें, ये है हमारा चैनल और यहाँ पर ये देखें ऑप्शन आ रहा है प्लेलिस्ट का। ये देखें मैंने क्रिएट की हुई है एंड्रॉयड मोबाइल ट्रिक्स, कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स, यूट्यूब अर्निंग ट्रिक्स। तो मैं इस रिलेटेड अपने चैनल पर ये देखें वीडियोस डालता हूँ। तो मैंने एक एंड्रॉयड के लिए बना ली, एक पीसी के लिए बना ली ट्रिक्स वगैरह, और एक यूट्यूब के रिलेटेड भी वीडियो डालता हूँ तो उसके लिए भी एक अलग प्लेलिस्ट बना ली। तो आपको भी ये लाजमी बनानी चाहिए, इसका बहुत फ़ायदा होता है और व्यूज़ भी ज़्यादा मतलब आप हासिल कर सकते हो इस प्लेलिस्ट के ज़रिए। ये देखें मैं हर टाइप की वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरीके से आप प्लेलिस्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पर साइड पर आपको ऑप्शन शो हो रहा होगा, ये देखें एंड्रॉयड मोबाइल ट्रिक्स, कंप्यूटर ट्रिक्स, यूट्यूब अर्निंग ट्रिक्स। ये मेरी तीन प्लेलिस्ट हैं। यहाँ से हम अपने प्लेलिस्ट में जाते हैं, प्लेलिस्ट में यहाँ से आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा क्रिएटेड प्लेलिस्ट, यहाँ ये क्रिएट की हुई हैं। अगर आप न्यू बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें। तो मैं आपको समझाने के लिए ये बना रहा हूँ। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं न्यू प्लेलिस्ट पे। तो प्लेलिस्ट का टाइटल क्या होना चाहिए, तो जिस तरह की आपने प्लेलिस्ट में वीडियोस ऐड करनी है तो उसके रिलेटेड आपने टाइटल रख देना है। जैसे कि मैं रखने लगा हूँ, ये देखिए एंड्रॉयड ट्रिक्स, ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं। ये देखें एंड्रॉयड ट्रिक्स रख लिया हमने नेम। आपने जो भी जिस तरह की वीडियोस ऐड करनी है अपनी प्लेलिस्ट में तो उसके रिलेटेड नाम रख लेना है और यहाँ से अपनी पब्लिक ही करना है और यहाँ पर कर देना है क्रिएट। तो ये हमारी प्लेलिस्ट क्रिएट हो चुकी है। अगर आप इसका नाम बाद में चेंज भी करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिंपल आपने ये देखें यहाँ पर क्लिक कर देना है और नाम चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया। तो यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं, ऐड डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट के बारे में। इन दिस playlist you can find amazing android secret tricks। तो इस तरह की आपने playlist के related description दे देनी है। और यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर ये option नज़र आ रहा होगा ये add videos, तो यहाँ पर click कर देना है। तो आपने अपने YouTube चैनल पर जितनी भी अपलोडिंग की होगी वो वीडियो शो करने लग जाएगा। यहाँ पर दे रहा है वीडियो सर्च, आप सर्च करके अपनी वीडियोस को फाइंड करना चाहते हैं। यहाँ पर ये URL है, URL के ज़रिए फाइंड करना चाहते हैं। और यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है योर YouTube वीडियोस, तो यहाँ पर क्लिक करके ये सारी वीडियोज़ आपको शो कर देगा। तो ये देखें इसने शो कर दी हैं। तो ये देखें हमने सिंपल वो वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है जो एंड्रॉयड मोबाइल के रिलेटेड है। तो ये देखें 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि हमने प्लेलिस्ट बनाई है एंड्रॉयड ट्रिक्स के रिलेटेड, तो हम वो वाली वीडियो पिक करेंगे जो एंड्रॉयड के रिलेटेड होंगी। तो ये हमने पिक कर ली हैं वो
वीडियोस। तो ये देखें, आपने सारी वीडियोस को एक में ऐड कर लेना है। एंड्रॉयड वाली जो वीडियोस होगी, मैं आपको जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये में हमने ऐड कर ली, और यहाँ पर ऐड वीडियोस पर क्लिक कर देना है। ठीक हो गया। सेलेक्ट करने के बाद ये देखें, अभी ये वीडियोस अप ऐड हो चुकी हैं सारी। तो ये देखें, अभी आप इनकी इनको आगे पीछे करना चाहते हैं वीडियोस को, तो यहाँ पर ये देखें, जैसे कि ये एक वीडियो है, हाउ टू गो लाइव ऑन यूट्यूब यूजिंग एंड्रॉयड मोबाइल। तो यहाँ पर इसके सामने वो मोर का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करना है। तो ये देखें, मूव टू टॉप, ये देखें वो टॉप पे चले गई। और यहाँ पर दोबारा क्लिक करते हैं, अगर मूव टू बॉटम पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी बॉटम पे आ गई। तो इस तरीके से आप इसकी अरेंजमेंट भी कर सकते हैं, आगे पीछे वीडियोस को कर सकते हैं। तो इसके अलावा ये देखें, ऑप्शन नज़र आ रहा है सेट एज प्लेलिस्ट थंबनेल। अगर इसको आप थंबनेल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ये देखें सेट एज प्लेलिस्ट थंबनेल, ये हमने कर दिया। और ये देखें, ये हमारी प्लेलिस्ट का थंबनेल बन गया कि यूट्यूब पर लाइव कैसे जाते हैं, इस वीडियो का मतलब ये हमारा थंबनेल बन गया है। तो एक ये तरीका था, और ये हमारी प्लेलिस्ट तैयार हो चुकी है। और यहाँ पर आप आइंदा जब कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करते हुए, ऐड वीडियो पर क्लिक करते हुए दोबारा कोई नई वीडियोस जो अपलोड करते हैं उन्हें सेलेक्ट करके अपनी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो और इसके अलावा ये है ऑप्शन शेयर का, आप इस प्लेलिस्ट को अपने कई जो अकाउंट्स हैं, फेसबुक है, गूगल प्लस है, ये रेडिट है, टम्बलर है, पिंट्रेस्ट है, इन पर भी शेयर कर सकते हो अपनी प्लेलिस्ट को। शेयरिंग करनी चाहिए यार, सोशल मीडिया के अकाउंट पर शेयरिंग लाजमी करनी चाहिए। अगर नया अकाउंट है आपका तो आपको ये बहुत फ़ायदा देता है। तो यहाँ से शेयर कर सकते हैं आप। और यहाँ पर एक ऑप्शन है प्लेलिस्ट सेटिंग, यहाँ पर क्लिक करके आप इसकी सेटिंग को कर सकते हैं। ये देखें, इसकी प्राइवेसी क्या रखनी है, हमें पब्लिक रखनी है। ये देखें, ऑर्डरिंग क्या हो, मैनुअल हो, या डेट के रिलेटेड, जिस तरह मतलब न्यू डेट के पहले आ जाए, ओल्ड डेट के बाद में, मोस्ट पॉपुलर, इस तरह से आप इनकी ऑर्डरिंग भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये देखें, एडिशनल ऑप्शन पे आ गया, सेट एज ऑफिशियल सीरीज ऑफ दिस प्लेलिस्ट, यहाँ पर क्लिक करके, इसका मेरे को ज़्यादा पता नहीं है। अलो एम्बेडिंग, एम्बेड भी कर सकते हैं, एम्बेड कोड होता है, अपनी वेबसाइट में भी आप प्लेलिस्ट को एम्बेड कर सकते हैं ये वाला ऑप्शन से, अलो करने से अगर आपने लो किया हुआ है। ये देखें, यहाँ पर ऑटो ऐड है, ऑटो ऐड का मतलब है यहाँ पर कुछ रूल होते हैं, ऐड रूल या टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग। अगर इन तीनों में से कोई भी एक सेलेक्ट कर लें, हम जैसे कि टैग में कर लेते हैं, यहाँ पर हम टैग दे देते हैं एंड्रॉयड ट्रिक्स, ये हमने टैग दे दिया। तो ये हमने दे दिया टैग, ठीक है। अगर अब हम अब जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे एंड्रॉयड के रिलेटेड, अगर हमने उसमें एंड्रॉयड ट्रिक्स का टैग दिया होगा तो वो ऑटोमेटिकली तौर पर ये वाली प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगी ऑटोमेटिकली, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली इसमें ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर कर देते हैं सेव, तो ये हो गई है सेव। तो आइंदा क्या होगा, जब भी टैग में एंड्रॉयड ट्रिक्स का टैग डालेंगे हम, तो ऑटोमेटिकली वो इस प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगी वो वाली वीडियो। तो इस तरह आप बगैर मैन्युअली तौर पर ऐड किए हुए इस तरह भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह आप प्लेलिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, वीडियो को ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर ऑप्शन है रिमूव डिलीटेड वीडियोस, तो यहाँ पर क्लिक करके आप कोई भी वीडियोस को प्लेलिस्ट से डिलीट भी कर सकते हैं। तो अगर आपने गलती से कोई वीडियो को डबल ऐड कर लिया है तो यहाँ पर एक ऑप्शन शो करने लग जाएगा कि ये वाली वीडियोस डबल हैं, आप इन्हें रिमूव करें, तो आप उन्हें भी रिमूव कर सकते हैं। तो प्लेलिस्ट के बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो आपको प्लेलिस्ट लाजमी क्रिएट करना चाहिए। तो ये देखें, इसका एक और फ़ायदा है कि आप अपने प्लेलिस्ट को किसी दूसरे चैनल की प्लेलिस्ट में भी ऐड कर सकते हैं।
ये देखें, ये आ गया एंड्रॉयड ट्रिक्स। हमने इतनी वीडियोस अपलोड की हैं, ये है हमारी प्लेलिस्ट। तो ये वो तरीका था। उम्मीद है मुझे कि आपको आज की हमारी ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा, और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम रोज़ाना आपके लिए नई नई अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो दोबारा मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।